The names used in this video set up for educational purpose. The owners, authors of this video do not support any sort of illegal activity using this content. Hello everyone and welcome back to the channel. मैं मोहित कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ माया टेक्नोसॉफ्ट YouTube चैनल पर. फिफ्थ सेशन में हम देखेंगे कि मैलवेयर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और कौन कौन से मैलवेयर हमारे आईटी डिवाइसेस को किस तरीके से डैमेज कर सकते हैं. तो मैलवेयर दो शब्दों के जोड़ से बना है, मैल एंड वेयर, जिसमें मैल का मतलब होता है मेलिशियस, यानी कि एक इंटेंशन टू हार्म, यानी कि नुकसान पहुंचाने का इरादा. और दूसरा होता है हमारा वेयर, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर. यानी कि मैलवेयर की डेफिनेशन होती है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बनाया गया है हमारे सिस्टम्स को हार्म करने के लिए. मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स कई तरीके के हो सकते हैं, या कहूँ मैलवेयर्स की जो टाइप्स है वो एक बहुत अच्छी वैरायटी में है, जिसमें लिस्ट आती है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, की लॉगर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर जिसका हमने बहुत नाम सुना है, बॉटनेट्स, रूटकिट्स एंड एडवेयर्स. तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की. तो वायरस ये एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. एंड वायरस का मेन मोटिव होता है डैमेज टू द एप्लीकेशंस, टू द फाइल्स और टू द सिस्टम रिजर्व फाइल्स. और इसके जो सिम्टम्स, यानी कि अगर सिस्टम के अंदर आपके वायरस आ गया है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, जैसे कि सिस्टम का स्लो हो जाना, स्लो प्रोसेसिंग करना, या हमारी फाइल्स का अपने आप डिलीट हो जाना, एट्रीब्यूट का चेंज होना, एक्सटेंशंस का अपने आप चेंज हो जाना, और फाइल्स के अपने आप या फाइल्स या फोल्डर्स के अपने आप शॉर्टकट्स बनना. अब वायरस तब तक कुछ नहीं करता जब तक यूज़र उसे इनिशिएट ना करे. अगर आपकी किसी फाइल के साथ अटैच होकर एक वायरस आपके सिस्टम में आ गया तो वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आपने फाइल को ओपन नहीं करा. ओपन मीन्स डबल क्लिक. अगर आप डबल क्लिक करते हैं फाइल पे तो फाइल तो एग्जीक्यूट होती है, उसके साथ साथ वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है. यानी कि वायरस उस डोरमेट की तरह है जो तब तक वहां क्लीन पड़ा हुआ है जब तक उसके ऊपर किसी ने पैर साफ नहीं करे. वायरस की एक कैटेगरी होती है बैच फाइल वायरस. इसका मतलब है कि कुछ वायरस के कोड्स बैड फाइल के रूप में छुपा दिए जाते हैं. बैड फाइल दो तरीके से ही आपके सिस्टम में आ सकती है, आइदर वो किसी फोल्डर के अंदर हाइड होकर आई हो, या फिर वो जब आप कोई गेमिंग इंस्टॉलेशंस करते हैं तो वहाँ पे बैड फाइल्स आती हैं और उनका एग्जीक्यूशन तभी होता है जब आप उन पे डबल क्लिक करते हैं. अब बैड फाइल बनाई कैसे जाती है, आइए वो देखते हैं. सिंपली आप एक नोटपैड ओपन करें एंड उसके अंदर जिस तरीके का आपको कोड लिखना है, जिस तरीके का आपको वायरस बनाना है, आप वो बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं एज डॉट बैड फाइल. जैसे कुछ बैड वायरसेस के नाम मैं दिखाता हूँ. अब बात करते हैं की लॉगर्स की. की लॉगर्स का मतलब पहले मैं समझाता हूँ. आपके कीबोर्ड पर आप जितनी भी कीज प्रेस करते हैं, इन केस अगर आपके सिस्टम में की लॉगर्स इंस्टॉल्ड है तो जहां पर भी उसका रिजल्टेंट आउटपुट जाता है वहां पर जो भी आप की प्रेस करते हैं वहां प्रिंट होती रहती है. इन केस आप अपने किसी भी एक ईमेल आईडी को एंटर करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप जब पासवर्ड डालेंगे तो जहां पर भी की लॉगर का आउटपुट जा रहा है वहां पर वो एज अ प्लेन टेक्स्ट प्रिंट होगा. इसी से बचने के लिए काफी सारी साइट्स लाइक बैंकिंग साइट्स वर्चुअल कीवर्ड्स प्रोवाइड करती हैं फॉर टाइपिंग योर पासवर्ड. की लॉगर्स में भी कैटेगरी आती है लाइक ऑनलाइन की लॉगर, जिसमें जो भी आप की प्रेस करते हैं वो कहीं ऑनलाइन मेथड से जाती है और किसी और के सिस्टम में उसके की स्ट्रोक सेव होते हैं. दूसरा आता है ऑफलाइन, यानी कि लोकल स्टोरेज, मतलब आप जो भी की प्रेस कर रहे हैं वो आप ही के स्टोरेज के अंदर सेव हो रही है और उसकी डायरेक्टरी वही जानता है जिसने वो की लॉगर इंस्टॉल किया. इसके बाद बात करते हैं रैंसमवेयर की. अब रैंसमवेयर ये भी दो शब्द के जोड़ से बना है, रैंसम एंड वेयर. रैंसम का मतलब होता है फिरौती, यानी कि एक्सटॉर्शन, यानी कि आप जब आपके सिस्टम में रैंसमवेयर इंस्टॉल होगा तो आप
का सिस्टम हाईजैक कर लिया जाएगा, सारी फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको पे करना होगा सम रैनसम अमाउंट, और उसके बाद ही आप अपना सिस्टम दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बैड रैबिट, वाना क्राई। इसके बाद बात करते हैं वॉर्म्स की। अब वॉर्म्स लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो जमीन और जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े होते हैं, जो कि आप यूजुअली स्केलेटन्स के ऊपर पाएंगे जब वो बरीड कर दिए जाते हैं फॉर ईटिंग देयर स्किन्स एंड ऑल। इनकी एक खासियत होती है कि ये रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद को इन मल्टीपल नंबर्स। रेप्लिकेशन, कॉपी इटसेल्फ, ये इन सबके टाइप्स हैं। ये यूजुअली आपके फाइल्स को डिग्रेड करते हैं और कुछ नहीं। यूजुअली ये स्प्रेड होते हैं थ्रू ईमेल्स एंड पेन ड्राइव्स। कॉन्फिगर वॉर्म एक ऐसा वॉर्म था जिसने 1 लाख डिवाइसेस पर एक्सेस किया था। इनके थ्रू कोई एक्सेस तो नहीं जाता, बट ये आपकी फाइल डिस्ट्रक्शन में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसी के साथ सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।